असलकम वह वर्का अलहदिल्लिकफ़ा वसम इबाद लदीन अमाद मोहरम नाजरीन कर्राम एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मोहरम नाजरी ने कराम एक अहम दुआ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मैं एक दुआ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अलहमदिल्ला नबी वम ने हम लोगों को ये दुआ सिखाई है अगर हम और आप ये दुआ पढ़ें तो हर बीमारी का इलाज है मौत के अलावा आइए देखते हैं हदीस के अंदर क्या आया सोन मजी के ताबुतिब हदीस नंबर टू जीरो एट थ्री अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्ला तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन मुस्लिम यऊद मरीजन लम यहुरु फैकुल सब अमरात जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी बीमार को देखने जाता है अगर उसका वक्त नहीं आया है मौत का और सात मरतबा जाके पढ़ता है कितनी मरतबा पढ़ना है बीमार के पास सात मरतबा डॉक्टर ने कहा ले जाओ बस आखिरी वक्त है नाउमीद मत हुई है सात मरतबा पढ़ते रहिए सुबह शाम जब भी कोई जाए सात मरतबा पढ़े वो दुआ क्या है आप भी याद कर लीजिए अपने मोबाइल में रखिए और अपने लाडले को प्यारे को भेजिए लोगों तक पहुँचाइए वो दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है कौन सी दुआ है वो रब्बल आजीम रब आर्शिलजीम एशफ मैं फिर पढ़ता हूँ असल ला अजीम रबारशी लजीम तो सात मरतबा पढ़िएगा ये आगे नबी वसलम कहते हैं इस दुआ के बारे में अल्लाफिया मगर उसको शिफा मिल गई तो देखा आपने जहाँ दवा काम ना आए वहाँ दुआ काम आती है दुआ और दवा याद रखिएगा सबके लिए कोशिश करना है और दुआ जिस तरीके से है दवा भी उस तरीके से है तो दवा भी तकदीर में से है तदबीर में से है तो आदमी सिर्फ दुआ के सहारे रहे ऐसा नहीं या सिर्फ दवा के सहारे रहे तो ऐसा नहीं अल्लाह पर भरोसा कीजिए अल्लाह बीमार को सही कर देंगे अगर मौत नहीं लिखी है अल्लाह जितने बीमार हैं सबको तो शिफाय का मिला जला फरमा आमीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वसलम आलिकम वरहमल वबरकू